बारात गई है ना, अभी थोड़ी देर बाद आएगी बारात। अच्छा बारात गई है, हमारा हाथ बहुत ठंडा हो गया। वहाँ दोस्तों ऊपर मोनिस्ट्री और यहाँ पे खाना बन रहा है ना। खाना बन रहा है, चावल। वहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ भी चावल, चाय पी रहे हैं। अच्छा, और आंटी जी ने मुझे भी पकौड़े दिए खाने को। पकौड़े खा लो। इसमें क्या आंटी जी? इसमें तो दाल है। दाल है? हाँ। अच्छा अच्छा, इसमें दाल है। और आप क्लाइमेट देखिए दोस्तों, कितना सुंदर है। ठंड भी लग रही है और ऊपर ऊपर तो अभी ताजा बर्फ पड़ी है, ये देखिए। और साइड में आपको दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर नजारे हैं। आंटी जी आप आए हो बिलासपुर? हाँ हाँ आए हैं। बिलासपुर में कहाँ? बिलासपुर नैना देवी, नैना देवी मंदिर। हाँ, मंदिर में। कितनी बार? तीन बार। अच्छा अच्छा, कुछ मेरे घर एम्स के पास है। अच्छा अच्छा, कभी आएंगे हम एम्स के पास भी? कोई नहीं, नहीं नहीं ऐसा बोलो, नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, एम्स एम्स हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल, अच्छा अच्छा, और तो नहीं आएंगे, तो मंदिर का दर्शन तो जाएंगे। हाँ हाँ, मंदिर तो जाएंगे, तो नहीं जाना हमें। बाकी यहाँ पे बर्फ पड़ जाती है आंटी जी? हाँ पड़ता बहुत, सर्दी को अक्टूबर से, तो अक्टूबर से मार्च अप्रैल तक। रोड तो बंद नहीं होता, रोड तो जेसी बस खुला ही होता है। अच्छा, जेसी भी आते हैं, खुला ही है। तो टूरिस्ट बढ़ते हैं, टूरिस्ट हाँ जनवरी को भी। पर मैं देखता हूँ ना आजकल, मैं यहाँ पे हूँ कई दिनों से, तो दिन में टेम्परेचर 3 degrees ज्यादा से ज्यादा। अच्छा। और रात को -8-9 तक चला जाता है। अच्छा अच्छा, ठंड बहुत होती है। मतलब ठंड तो है, ठंड तो बहुत है, इस साल ठंड है, पहले ऐसा ठंड नहीं था। हाँ, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना। देखिए मजा, मतलब पहली बार देख रहा हूँ ना मैं। हमारे साइड कुछ और कल्चर है ना। अच्छा, खाना अच्छा। बनाने का आप लोग का कल्चर और है, हमारा कल्चर और है। हमारे साइड ना शादी में चावल बनेंगे और 6-7 सब्जियाँ बनेंगी। दालें का तो क्या शादी है, ऐसे नहीं तो थोड़े से हो जाता। हमारा तो बहुत खर्चा है, तीन और का आप लोग का कहाँ खाती है। हमारे भी ये खर्चा। नहीं नहीं, आप लोग का 1,00,000 रुपए से हो जाता होगा। पर मैंने एक बात देखी, हमारे साइड ना शादी में धूम धमाका होता है, यहाँ सिंपल सी होती है। अच्छी मतलब अच्छा अच्छा होता है बहुत। हाँ। कितना खर्चा होता है आप लोग का? अब बोलो ना। हाँ। वो भी बोलो, हमारा तो 10-12 लाख। 10-12 लाख? 10-12 लाख शादी में। हाँ। तो ये बन रहे दोस्तों चावल, लेकिन आज के पास गर्मी है यहाँ ना। हाँ। गर्मी आज के पास। शादी का दाम, शादी का दाम। हाँ। शादी का दाम। तो ये है दोस्तों यहाँ की मोनेस्ट्री, ये देखिए। आज बंद है अभी इस टाइम, बाकी शादी है तो तैयारियाँ हो रही है शादी की। बारात गई है ना, अभी थोड़ी बाद आएगी बारात। अच्छा बारात गई है, हमारा हाथ बहुत ठंडा हो गया है। ये पानी डायरेक्ट ऊपर से आ रहा है, ये देखिए दोस्तों, वहाँ पे जो बर्फ है वो पिघल के आ रही है। बाकी व्यू देखिए आप, मेरे तो हाथ भी चमके हैं थोड़े थोड़े। और यहाँ पे डीजे का प्रोग्राम भी है आज। पागल हो गए हैं, बोल रहे कि पागल हो गए ये डीजे वाले। डीजे वाले? हाँ। एक कंपनी का है। क्या ये? एप्पल का फोन, इतना महंगा है? महंगा नहीं है, महंगा है, महंगा नहीं। तो इसने मेरे नेक बैंड ले लिए हैं, अब क्या करें? गाना लगाऊं? कान में लगाओ इनको पहले, कान में लगाओ, कान में। ठंडी है ये, नहीं ठंडी, आपके हाथ ठंडे हो गए। हाँ लगाऊं गाना? हाँ। शाम को बंद म्यूजिक? हाँ, कल सुबह से 6 बजे से ही शुरू कर देना। हाँ। मजाक नहीं, क्वेश्चन का जवाब देंगे।
अच्छा आपने जवाब देना है तो ये जो मोनेस्ट्री है इसकी हिस्ट्री बताओ थोड़ी। किसने पांच मूर्तियां अंदर? अच्छा पांच और भी है, छोटी छोटी और छोटी छोटी तो बहुत है, सबसे मेन है पांच। अच्छा तो अभी तो बंद है ना? अभी मई का महीना चला है ना, तो इतनी ठंड है, तो जब दिसंबर होता है तो तब तो बहुत ज्यादा होता है, तो घर से बाहर निकल नहीं पाते। जनवरी ऊपर आगे कुछ ज्यादा लग रही है, इतने दिनों से नीचे लग रही थी मुझे। ये क्या है? ये पोल्टू है। पोल्टू जी, पूरी बोलते हैं इसको। अच्छा पूरी पोल्टू भी बोलते हैं, खबरा बोलते हैं हमारे यहाँ पे। खबरा खोखरा। ये बनता किसका है? आटे का। अच्छा आटे और तेल में तल के। अच्छा अच्छा बन जाता है। नमकीन चाय की मीठा चाय इसमें क्या है? नमकीन चाय कौन है? अंधेरा होने वाला है और मैं मोनेस्ट्री से वापस जा रहा हूँ अब, जहाँ पे मैं नीचे रुका हूँ होटल में। मार्केट में मैं पहुंच गया और ये है यहाँ पे चितकुल की मार्केट, और ये चला गया गांव के लिए रास्ता। यहीं से होके गया था मैं ऊपर, सॉरी गया मैं परली साइड से था और आया यहाँ से। बाकी इस साइड भी मार्केट है देखिए, बस ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है, इतनी ही है, थोड़ी सी नीचे को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, और साथ में देखिए ताज़ा पानी जो कि ऊपर बर्फ के पहाड़ों से आ रहा है। तो यहाँ पे बाइकर्स का ग्रुप आ गया कोई, बाकी यहाँ पे रुका हूँ मैं दोस्तों देखिए, और आप अभी ताज़ा जो बर्फबारी हुई है वो देखिए, और ऊपर तो अभी भी हो रही है। The next morning. कल हम यहाँ जो है लड़की लेकर आए थे, किन्नौरी कल्चर है हमारा, ये भी एक पार्ट है, और आज हमारी विदाई है तो हम घर के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर बारात कहाँ से आई थी? बारात ये टापरी पूनम से आई थी। अच्छा टापरी नीचे से? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पूरी रात भर डीजे सुनाई दे रहा था? बिल्कुल, हमारा खान पीन और नाच गाना हमारा यहाँ का मुख्य पेशा है, और अमूमन रात भर हमारा डांस प्रोग्राम चलता है यहाँ। मतलब पूरी सुबह तक डीजे सुनाई दे रहा था? बिल्कुल बिल्कुल, सुबह तक। तो लाइव सिंगर आए थे जी? लाइव सिंगर आए थे कल? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अभी यहाँ पे बारात वापस जा रही है जो कल रात को आई थी, तो देख लीजिए बहुत ही रिच कल्चर है दोस्तों, बहुत ही रिच कल्चर है। जो यहाँ पे खुद आएगा खुद फील करेगा वही समझ सकता है। ये रास्ता चलेगा दोस्तों ऊपर गांव की तरफ, बाकी ये है बारातियों की गाड़ियाँ, देखिए बस भी है, बाकी वहाँ पे भी है कुछ गाड़ियाँ। ये भाई कल मेरे साथ ऊपर मोनेस्ट्री की तरफ गए थे, अभी ये जा रहे हैं वापस। देखिए ये भी सोलो आए थे लेकिन बस में आए थे। कहाँ से आए थे आप? दिल्ली से। हाँ जी दिल्ली से आए हैं भाई, थोड़ा शाही हैं। बारात भी चल गई और वो भाई भी चले गए बस में। बाकी अभी मैं होटल से पिछली साइड आया हूँ जैकेट को सुखाने के लिए, क्योंकि कल मैं कहीं पे गया था सुंदरी पे तो भीग गया था आते टाइम। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में। हरिओम।